नमस्कार दोस्तों, ये देखिए आप, हमारा ये खेत इसमें पलो निकलवाया था, अच्छा खासा तप चुका है खेत, और बीच में अभी थोड़े से चींटे गिर गए थे, उसकी वजह से हैं ये जो बड़े बड़े ढक्कर हैं ये भी थोड़े मुलायम हो चुके हैं। हालांकि कम गिरा है थोड़ा सा, अगर थोड़ा और गिरता तो इसमें पूरे बिखर जाते, अभी पूरे बिखर नहीं पाए हैं, अभी हैं। देखिए आप, ये हो गई अच्छी खासी गहरी जुताई। अब इसके बाद बरसात का इंतज़ार, और उसके बाद फिर इसमें या तो अश्वगंधा या फिर KDS 726 सोयाबीन, दोनों में से एक फसल लगाई जाएगी, या फिर हो सकता है कि दोनों आधी आधी लगा लूं, क्योंकि बरसात की जो अश्वगंधा है वो थोड़ी समस्या देती है। बाकी अगर बरसात में अश्वगंधा नहीं लगाई तो सर्दियों में अश्वगंधा ज़रूर लगाऊंगा, मैं अश्वगंधा ही लगाऊंगा पूरे में। बाकी अभी विचार है कि अभी बरसात में भी अश्वगंधा लगाऊं, तो बाकी अभी बरसात की अश्वगंधा अब थोड़ा सा परेशान करती है। हालांकि इस देखिए आप, ये खेत इसमें कहीं से कहीं ढलान है हल्का सा, उसकी वजह से इसमें कहीं से कहीं पानी नहीं भरता, और उधर ये इधर की तरफ पीछे हमने नाली बनाई है ताकि खेत का जो पानी आता है वो नाली से होकर चला जाता है, पानी कहीं पर भी नहीं ठहरता इसमें खेत में। लेकिन फिर भी अश्वगंधा है वो बरसात में थोड़ा सा प्रॉब्लम करती है, उसकी वजह से होता क्या है कि जड़ें सही बन नहीं पाती, इसलिए देखेंगे। हालांकि मैंने अभी तक बरसात में कभी अश्वगंधा लगाई नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि इस बार आधे में अश्वगंधा लगाऊँ और आधे में सोयाबीन, क्योंकि KDS 726 ये महाराष्ट्र की सोयाबीन है, मध्य प्रदेश में चलती नहीं है। अब चलती भी होगी तो कोई बोते भी होंगे, तो वहाँ पर बाकी मैं सोच रहा हूँ कि इस बार कुछ नया किया जाए, और किसानी का मज़ा तभी है जब कुछ नया किया जाए। परंपरागत तो करते ही आ रहे हैं, फिर उसमें तो कुछ है नहीं है, नहीं तो किसान हालत, किसानों की हालत जानते ही हैं आप, परंपरागत के चक्कर में कुछ नया किया जाए, अच्छा किया जाए और एंजॉय किया जाए, है ना, किसानी का मज़ा तभी है। जय हिंद।